Hello friend, I'm your anchor host. I'm using anchor.fm/Dhiren Deshpathak. Anchor is one stop shop recording, hosting and distributing your podcast. Best of all, it's 100% free and ridiculously easy to use. And now Anchor can match you with great sponsor who want to advertise on your podcast. That means you can get paid to podcast right away. In fact, that's what I'm doing right now by reading this ad. Thank you. हेलो मित्रों, कैसे हो मित्रों। आज की कहानी एक हृदयस्पर्शी घटना है। सुबह सूर्योदय हुआ था कि एक वयोवृद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजने लगा। सुबह सुबह कौन आ गया कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा आज इतने सुबह क्या परेशानी हो गई आपको। वयोवृद्ध ने कहा, मेरे अंगूठे के टांके कटवाने आया हूँ। डॉक्टर साहब के पास मुझे 8:30 बजे दूसरी जगह पहुँचना होता है, इसलिए जल्दी आ गया। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही वयोवृद्ध का निवास था। जब भी जरूरत पड़ती वो डॉक्टर के पास आते थे, इसलिए डॉक्टर उनसे परिचित था। उसने कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो, बताओ आपका अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे को टांके खोले और कहा कि दादा बहुत बढ़िया है, आपको आपका घाव भर गया है, फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूँ कि कहीं पर चोट ना पहुँचे। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु यह डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाले आदमी का और दयालु थे। डॉक्टर ने पट्टी लगा के पूछा, दादा आपको कहाँ पहुँचना पड़ता है 8:30 बजे, आपको देर हो गई तो मैं चलकर आपको छोड़ आता हूँ। वृद्ध ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊँगा, नाश्ता तैयार करूँगा, फिर निकलूँगा और बराबर 9 बजे पहुँच जाऊँगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। बिल लेके उपचार करने वाले तो बहुत डॉक्टर होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले कम होते हैं। दादा खड़े हुए तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि दादा नाश्ता यहीं कर लो। वृद्ध ने कहा कि ना बेट, मैं तो यहाँ नाश्ता कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा। डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता करवाना है। तब वृद्ध ने कहा, मेरी पत्नी को। तो वो कहाँ रहती है और 9 बजे आपको उसके यहाँ पहुँचना है। वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब वह तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वो अस्वस्थ है तो नर्सिंग होम में। डॉक्टर ने पूछा, क्यों उनको क्या तकलीफ है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है, पिछले 5 साल से वह मेरे को पहचानती भी नहीं है। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वह पट्टी आँख से शून्य नेत्रों से मुझे देखती रहती है, मैं उसके लिए अनजाना हो गया हूँ। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गई। याद रखे, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक पक्षीय प्रेम यह दुर्लभ है, पर होता है जरूर। कबीर ने लिखा है, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, बाजार में नहीं मिलता है यह। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उनको नाश्ता कराने जाते हो, आप इतने वृद्धा, आप थकते नहीं हो, उपते नहीं हो। उन्होंने कहा, मैं 3 बार जाता हूँ। डॉक्टर साहब, उसने जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की है और आज मैं उसके सहारे जिंदगी जी रहा हूँ। जिसको देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है, मैं उनके पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वह न होती तो अभी तक मैं बिस्तर पकड़ लेता, लेकिन उनको ठीक करना है, उसकी संभाल करना है, इसके लिए मुझ में रोज ताकत आ जाती, उसके कारण ही मुझ में इतनी स्फूर्ति है। सुबह उठता हूँ तो मैं तैयार होकर के काम में लग जाता हूँ, यह भाव रहता है कि उनको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है, मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूँ।
डॉक्टर ने कहा, दादा एक बात पूछूं। पूछो ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, दादा वह तो आपको पहचानती नहीं, ना तो आपके सामने बोलती है ना हंसती है, तो भी तुम मिलने जाते हो। तब उस समय वृद्ध ने जो शब्द कहे वह शब्द दुनिया में सबसे अधिक हृदय स्पर्शी और मार्मिक है। वृद्ध बोले, डॉक्टर साहब वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ कि वो कौन है। और इतना कहते वृद्ध की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी की आंख भी भर आई। कहानी तो पूरी हो गई, परंतु पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। अपने घर में अपने माता पिता को प्रेम करना, जो लोग यह कहते हैं कि अपने पिता के लिए साठी बुद्धि नाटी, उनको यह कथा 10 बार पढ़वाना, यह सब वह न जानती कि मैं कौन हूँ, परंतु मैं तो जानता हूँ, यह शब्द शायद परिवार में प्रेम का प्रवाह प्रवाहित करने। अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ दिखे, अपने तो वो है जो तकलीफ में साथ दिखे। मित्रों, ये हृदय स्पर्शी कहानी कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू। We'll be right back.